वेलकम टू बैक द यूट्यूब चैनल तो मिस्टर व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। जैसे मैंने आपको कल वाला व्लॉग तो आप देख लिया होगा, तो थोड़ा बहुत वो अच्छा नहीं था। मेरे को काफ़ी जनों ने फ़ोन कर करके बोल रहे भाई वो लोग अच्छा नहीं है। हाँ, मैं भी बोलता हूँ कि वो लोग अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा मिनट का भी नहीं बनाया, ज़्यादा देर का भी नहीं बनाया, और मैंने उसमें कुछ बोला भी नहीं इसलिए। और अभी तो हम आ गए थे, रात को आ गए थे हम घर, 11:30 बजे आ गए थे हम रात को। तो रात को तो सर के अंदर वहाँ पर गए थे ना, कोटा में बाइक पे घूम रहे थे ना, तो सर के अंदर इतनी मिट्टी मिट्टी मिट्टी, बाल में हाथ जा रहे तो कड़क कड़क बाल हो रहे, हाथ पैर दुख रहे, चक्कर आ रहे। तो मेरा होते ही रात को सो गया। फिर सुबह लेट उठा हूँ, आज मैं 9:10 बजे उठा हूँ मैं आज इसलिए। और उठते के साथ ही मुझे ये खुशी मिली कि मेरा बड़ा भाई है, जो मेरा बड़ा भाई है तेई, अब वो बोल रहे हैं कि हम रिक्शा लेंगे, तो रिक्शा लेने जाएंगे आज ना। तो एक भैया आए बैंक की तरफ से वो फार्म वारम भरने के लिए, तो आज रिक्शा आएगा हमारे घर पे। टारजन समझ के चलेंगे अपन, आज हमारे घर पे टारजन आएगी। तो अब मैं दिखाऊंगा टारजन कैसे। तो भाई ले मम्मी, भाई तो उधर साइन वाइन कर रहे हैं, मम्मी भी साइन कर रही है, तो वो ही आज ले रहा है, क्योंकि वो एक किसी को देगा किराए के लिए, खुद नहीं चलाएगा, किराए के लिए देगा। तो वहाँ पे बैठे हैं सब, अब रिक्शा लेने जाएंगे। मैं भी जाऊँगा, मैं शायद तक ही जाऊँगा, मैं बोल तो रहा हूँ मुझे भी ले चल भाई, तो वो बोल रहा नहीं मैं ले आऊँगा, फिर तू बना लियो दिखा दियो भाई। तो फिर वहाँ पे सर आए कोई, मैं दिखाता हूँ सर को आपको, मुझे सर मैन हो रहा। हम यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ बताया था ना कि मेरा भाई रिक्शा ले रहा, तो इस नाम से हरिवंत और पर ऐसे पता नहीं किस नाम से नहीं आए थे। तो अभी आए क्योंकि इतना टाइम लग गया हमें, को डेढ़ दो घंटे लग गए, क्योंकि हम रास्ते में बहुत क्लाउड है, चांद बहुत छोटी चौपड़ गए। जयपुर में तो बहुत ही ज़्यादा क्लाउड रहता है दिन में, और रात को सुबह ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए हमको टाइम लग गया है। फाइनेंस करवा रहे हैं, तो अभी अपन तो अभी रिक्शा आ रहा था, वहाँ हो गया तैयार होना, तो अभी रिक्शा आएगा, तो रिक्शा दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छा हो रहा, खुशी होती है। अभी हमने पेटी चाहिए, भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो अभी आ रही है रिक्शा, तो दिखाते हैं अंदर। वो गए सब गए सब, चल अपन भी अपन अंदर ही चलते हैं। जो दुकान है हरियन कॉपरेशन इस पिंक स्टार इस नाम से है, तो अभी रिक्शे में बैठा हूँ इसमें, जो मेरे भाई के दोस्त का रिक्शा है ना उसके अंदर ही बैठा हूँ, उसका पुराना, और मेरा भाई वो बैठा कर साइड, वो अंदर दिख नहीं रहा होगा, वो उधर एक साइड पर था। तो हम इधर बैठे हैं, तो रिक्शा गया है, वो सामने से रिक्शा आएगा उधर, तो आया नहीं कोई रिक्शा भी उसके। अब वो होता है ना आठ पार्ट्स होते हैं ना उसके, वो होते हैं ना वो लाइट वाइटिंग फिटिंग विटिंग जो होने गई उधर, तो आएगी ना फिर। देखते ही तुझे मेरा दिल धड़कने लगा, बढ़ने लगी आरजू, आंखों में सपना जगा। तो गाइस, तो इतनी देर वेट करने के बाद कि जब मैं 2 घंटे वेट करने के बाद रिक्शा फाइनली आ चुका है, ईली कंपनी का है, ईली कंपनी की जैकेट है, ईली कंपनी के सब चेक कर रहे हैं, मस्त रिक्शा तो अच्छा है, पर अब लेके जाएंगे घर पर या खा रहे हैं। हम यहाँ पे रिक्शे में बैठ चुके हैं, बस अच्छा फील हो रहा है। तो इसकी चाबी देखो कैसी है, मैं बोला था ना टारजन की कार, टारजन गाड़ी, तो टारजन जैसी गाड़ी चाबी आएगी, जैसी गाड़ी चाहिए इसके अपन, इसके अंदर लिखेगा अपन टारजन,
साउंड का सिस्टम है घर जाने की तैयारी हो गई। अब यहाँ पे घर जाएंगे, शाम के शाम हो गई, अब 4 बज गए यहाँ पे। यहाँ पास तो पूरा दिन है नहीं कर दिया, घर चल रहे तो बैर खतरनाक है, उसका कलर है आसमानी कलर है। तो आ गए थे हम घर पे, वहाँ से क्योंकि जहाँ से हम रिक्शा लिए थे ना वहाँ से आने को इसलिए डर लगा क्योंकि वहाँ पे बहुत बुरी थी ना, ट्रैफिक जाम रहता और क्लाउड बहुत रहता ना, इसलिए तो वहाँ आने में एक दो घंटे लग गए। इसलिए फिर आते ही वो अगर नहीं गए सर आगर ट्यूशन के, तो फिर वहाँ पर पढ़ने लग गए। फिर वहाँ से आगे ही आगे फरमान भाई जन तो बोले आ जाओ चाय पीने चले वाले, तो इनके साथ बाहर आया हूँ। नहीं बाहर कोई शॉप है इधर मेन रोड पर आगे पीतल फैक्ट्री की साइड जयपुर में, तो इधर ही आया हूँ इनके साथ भाई के साथ फरमान भाई। अभी तो इधर ही बैठे थे बाहर घूम लेने गए, चाय का ऑर्डर करने गए, तो उनके साथ आया हूँ चाय पीते थे। तो गाय चाय यहाँ पे आती है कुल्लड़ चाय, इसे किस नाम को कुल्लड़ चाय गए यार, तो चाय तो ये पड़ी पता है खा पार हो जाते, तो अब चाय पीएंगे अपन। जैकेट पहने यार मेरी आज रिक्शे के साथ आई थी, वही जैकेट पहन ली अपना। तो यार तुम बार बार यहाँ पे आ चुके हैं, बिस्कुट भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो अपन चाय पीते पहले। तो यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी यार भाई, फरमान भाई लाया मुझे ये बोलते हैं मुझे फेस मत दिखाया अगर ब्लॉग में, ऐसे बोलते हैं मुझे यहाँ पे आओ तो कभी आप चाय जरूर पीने हैं कि बहुत ही मस्त चाय थी, स्वादिष्ट चाय थी, मेरे को तो मज़ा आ गया आज चाय पी। फरमान भाई जान फिर लाओगे ना यहाँ पे कल, तो फिर कल वापस आएंगे यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया। तो आप चलते घर पर वहाँ देखेंगे क्या सीन है वहाँ पे घर का। तो गाइस हम आ गए थे चाय वाय पी के मस्त। आज तो यार सर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि आज यार पूरे दिन वहीं पे लगा रहा ना, क्योंकि वहाँ बहुत धूल मिट्टी और वहाँ पे ज़्यादा बहुत सर्दी, हाथ पैर दुख रहा। अब सोऊंगा, वैसे भी मैं बहुत थक रहा हूँ 2 दिन से, अब सोऊंगा। रिक्शा आ गया, मेरे भाई को बहुत खुशी हो रही है, मेरा ये चाबी टारजन की चाबी यार, मैं सोच रहा हूँ यार टारजन की चाबी भी ऐसी आती है क्या, चाबी भी ऐसी आती है क्या यहाँ पर। मेरा भाई बोल रहा है इसको क्लिक मत करियो आगे चल जाएगी गाड़ी भी आगे जाती है इसको क्लिक करने से, वो बोल रहा है क्या किसको क्लिक करेंगे ना तो आगे चल जाएगी गाड़ी। मैं बोला नहीं ऐसे नहीं होता, बस है ना उसकी वो ऑन हो जाएगी, उसकी लाइट ही चल जाएगी बस, तो उसको क्लिक तो करना नहीं है। पर मुझे इसको देख देख कैसे आ रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर लगाएंगे ना इधर ऐसे लगेगी पूरी कार हो BMW नहीं टारजन की तरह। तो अभी बज चुके हैं 10 बज चुके हैं और यह आया पिटबुल कमल का। तो अपन ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक गाड़ी लेके जा रहा हूं, रिक्शे के ऊपर एक प्यारा सा कमेंट कर देना जो आपको इच्छा हो। बाय। तो अभी ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो बाय, गुड नाइट।